ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी ने शुरू किया है जो अपने हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो लड़े थे हुँ? उनको याद करने का उनको समझने का ये इस वक्त बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारी आज़ादी की उसको एक नकली राष्ट्रवाद ने कब्जा कर लिया है आजकल जो राष्ट्रीयवाद राष्ट्रीयवाद कहने वाले हैं वो हमारे आजादी के आंदोलन से उनका जो सोच है बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले ये तो समझे कि हमारी आज़ादी का सोच क्या था हमारे जो बड़े बड़े लीडर थे गांधी नेहरू पटेल वो सोचते क्या थे वो राष्ट्रवाद को क्या समझते थे और आज राष्ट्रवाद के नाम में जो एक घृणा जो हेट्रेड फैलाया जा रहा है हुँ? जो स फैलाया जा रहा है वो क्या हमारे राष्ट्रवाद से मिलता जुलता है ये सवाल इस किस्म के सवाल हम उठाएंगे आज हुँ? मैं नकली राष्ट्रवाद आज के राष्ट्रवाद को इसलिए कहता हूं कि यो, ये जो आ, जो सांप्रदायिक हैं आजकल राष्ट्रवाद के नाम पे चल रहे हैं वो जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं शामिल थे वो तो अंग्रेजों के बने हुए थे उन, उनके साथ थे बल्कि सारे जो ये सांप्रदायिक ताकतें थे वो सब मिल के अंग्रेजों के साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके खिलाफ लड़ रहे थे ये तो कोई एक्सीडेंट नहीं है ना कोई चांस की बात तो नहीं है कि भाई जो रा, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो सबसे बड़े लीडर थे महात्मा गांधी उसको अंग्रेजों ने नहीं, नहीं नहीं मारा ना किसने मारा एक सांप्रदायिक बंदे ने ही मारा ना तो सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है ये मोटी बात हमको सबसे पहले समझनी है अब आए सवाल कि मैं आज किस पे बोलूंगा मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जवाहरलाल नेहरू पे बोलना चाहूंगा इसके दो कारण हैं एक तो नेहरू जी हमारे राष्ट्रवाद की जो एक परिकल्पना थी जो जिसको अंग्रेजी में आईडिया ऑफ इंडिया कहते हैं कि क्या परिभाषा थी क्या परिकल्पना थी क्या विजन था हुँ? कौन से मौलिक मूल्य थे उस राष्ट्रवाद के हम्म ये ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये जो मौलिक मूल्य है वो नेहरू जी के अंदर सबसे ज्यादा हमें दिखती है इसलिए मैं नेहरू जी पे बोलना चाहता हूँ एक तो ये कि जो मौलिक मूल्य थे वो उनमें थे उनके लिए वो लड़े और दूसरी बात सिर्फ वो मूल्यों के लिए वो लड़े नहीं पर जब भारत आजाद हो गया उन मूल्यों को भारत में कायम करना जो कि 200 साल से नहीं हो पाया था क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो ये जो नए मूल्य जिससे भारत पैदा हुआ उन नए मूल्यों को कैसे भारत में काम के कायम करना है भारत के लोगों के दिमागों में डालना है भारत में इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं वो कैसे ये काम जो करना था वो नेहरू जी ने पन, अपने जिंदगी के एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने उसमें लगाया आजादी के बाद आपको मालूम है कि पहले सत्रह साल वही प्रेसिडेंट वो अपने तक अपने उनके देहांत तो ये जो उन्होंने अपना काम किया ये, ये उसके बारे में बोलना चाहूंगा तो जी ये जो दोनों काम अच्छी तरह उन्होंने किया एक तो इन मूल्यों को समझना उनके लिए लड़ना और उनको भारत में कायम करना इस उनमें उसमें जो इतने सक्षम थे ये गांधी जी को भी पता था इसीलिए गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी बहुत पहले आज़ादी के बहुत पहले उन्होंने कहा था कि यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा उनका गांधी जी ने कहा था मेरे मरने के बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेगा हुँ? और आप देखेंगे मैं आज दिखाऊंगा आपको कि कैसे नेहरू गांधी जी की भाषा बोलते हैं हालाँकि उन, उन, उन उनको गांधी जी से उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट करी बहुत बहस करी उनकी जो आत्मकथा है वो पूरी किताब ही गांधी जी से बहस है पर वो बहस के बावजूद जो गांधी जी से उन्होंने जो उनके जो असली जो मूल्य थे जो उन्होंने नेहरू जी ने है, उनके बारे में भी मैं बात आज। दूसरा कौन फैला रहे है? वो लोग जो के खिलाफ थे कौन लोग राष्ट्रीयवाद के खिलाफ थे एक तो अंग्रेज मतलब जो सांप्रदायिकता जो साम्राज्यवाद में विश्वास करने वाले उपनिवेशवाद में विश्वास करने वाले एक तो वो खिलाफ थे राष्ट्रवाद के और दूसरे जो सांप्रदायिक ताकतें थी वो खिलाफ थी अब यही दो तो ताकतें अब भारत में फिर से बढ़ती जा रही हैं और उनके बढ़ने से अब जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखने वाले थे जैसे जवाहरलाल नेहरू जैसे गांधी जी हम्म अब उनपे बढ़ बढ़ के अटैक हो रही है हु? अब गोडसे के गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं जिन्होंने गांधी जी को मारा और नेहरू के बारे में मतलब क्या शब्द है डिमोनाइजिंग अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन होगा <laughs> राक्षसीकरण मतलब ने, को एकदम राक्षस की तरह दिखाया जाता है हु? अगर आप व्हाट्सएप वगैरह देखेंगे भगवान बचाए आपसे उनसे उन इतना झूठ और इतना उसमें जहर घोला हुआ है एक शख्स के बारे में जिसने अपना पूरा जीवन इस देश को बनाने में लगाया हुँ? तो इस इन झूठों के खिलाफ हमने जो सीखा है मैं करीब 45 साल मैंने इतिहास पढ़ाया है हुँ? तो अपने सारी जिंदगी में जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है जो पढ़ने लिखने में सीखा है तो उसके उस वो मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो झूठ फैलाया जा रहा है उस उसको आप अपना दिमाग लगा के सोचें और समझें नेहरू के खिलाफ बोला जा रहा है ये जो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद वाले जो हैं जो अंग्रेजी राज को जो बहुत अच्छा समझने वाले हैं ऐसे लोग अभी भी हैं जैसे मैं दो नाम बताऊंगा शायद आप पहचानेंगे एक मेघनाथ देसाई एक एक प्रोफेसर है तीर्थंकर रॉय ये किताबें लिखते हैं हुँ? जिसमें ये कहते हैं कि अंग्रेजी राज की क्या क्या बरकतें थी जब अंग्रेजी राज थी वहां पे उस वक्त किताबों में स्कूल के किताबों में पहला लाइन होता था कि अंग्रेजी राज की बरकतें क्या क्या इन्होंने किया आपके लिए हु? तो आप विश्वास नहीं करेंगे आज भी ऐसे लोग हैं जो ये लिखते हैं कि अंग्रेजी राज के टाइम समय में भारत में बहुत प्रगति हुई हु? ये तीर्थंकर रॉय की किताब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की छपी हुई जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अंग्रेजी राज के वक्त में बहुत प्रगति हुई और फिर प्रगति कब हुई आजादी के बाद उन्नीस के बाद जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ जिसको न्यू लिबरल रिफॉर्म भी कहते हैं तब से जब जब से आपको मालूम ही है कि हमारा ग्रोथ रेट जो है काफी बढ़ जाता है हु? और चीजों में कई पीछे चले जाते हैं पर कम से कम ग्रोथ तो बहुत बढ़ता है 1991 1991 के बाद ये कहते हैं ये दो पीरियड तो बहुत अच्छे थे हु? परंतु ये जो नेहरू का पीरियड था 1950 से लेके समझिए 70 अस्सी तक हु? नेहरू जी की तो डेथ हो जाती है पर उनका जो सोच था नेहरूवियन कंसेंसस जिसको कहते हैं नेहरूवियन नेहरू की सोच तो चलती रहती है इक्यानवे तक तो वो कहते हैं वो बहुत बुरा था हुँ? ये बिल्कुल कबाब में हड्डी था समझिए कि सारा जो भारत का जो प्रगति हो रहा था जो अंग्रेजों के टाइम पे हो रहा था और जो उन्नीस के बाद हो रहा है उसको सारे को ये नेहरू ने बर्बाद कर दिया क्यों क्योंकि वो एक दूसरे किस्म के पॉलिसीज ला रहे थे दूसरे किस्म के क्या पॉलिसी ला रहे थे भाई वो कोशिश कर रहे थे भारत में कि आ, हमारे अपने उद्योग जो हैं, देशीय उद्योग घरेलू उद्योग जो हैं, उनको संरक्षण मिले वो कोशिश कर रहे थे कि हम आत्मनिर्भर बने हुँ? सिर्फ जुमले में नहीं असलियत में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएं और फिर आ, वो कोशिश कर रहे थे कि अः उपनिवेश उपनिवेशवाद ने जो भारत के आर्थिक व्यवस्था में जो जो नुकसान किए थे जो जो गलतियां हुई थी उनको निकालें ये उनकी कोशिश थी इनका कहना ये कि पर पर ये बिल्कुल बेकार था अगर वो ना करते अगर 1950 से ही हम बिल्कुल भूमंडी भूमंडलीकरण भु, जो शुरू हुआ उन्नीस में वैसा हम 1950 में अगर भारत वर्ष दुनिया के लिए खुल जाता तो हम पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते पर असल में ये बात उल्टी है अगर 1950 में हम उन्नीस वाला मनमोहन सिंह वाला पॉलिसी कर देते भारत को बिल्कुल भारत के दरवाजे खोल देते तो हम एक जो अब एडवांस्ड जो जो देश अब बहुत बड़े हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड जिसको कहते हैं हम उनके बिल्कुल एक जूनियर बने, पार्टनर बने रह जाते हम्म हमारी कोई आजादी नहीं बचनी थी सारे हमारे उद्योग वगैरह सब खत्म हो, हो गए होते और उन्हीं का फॉरेन कैपिटल का ही सारा यहाँ पे दबदबा होना रहा था हुँ? तो ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है कि नेहरू के पीरियड में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ हुआ ये जो भूमंडलीकरण अब हो रहा है और जो भूमंडलीकरण आ, अंग्रेजी राज के वक्त हुआ था ये दो बिल्कुल अलग किस्म के भूमंडलीकरण है एक उपनिवेशवाद के अंदर होता है जिस जिस भूमंडलीकरण से फायदा सारा उन देशों को होता है जो कि कॉलोनाइज कर रहे हैं दूसरों को जो कि साम्राज्य बिठा रहे हैं अपना दूसरे देशों में और जिन पे साम्राज्यवाद हो रहा है उनका नुकसान होता है वो एक किस्म का भूमंडलीकरण है ये जो अब का भूमंडलीकरण है ये आजाद देश अपने आप उसमें जा रहे हैं हुँ? क्योंकि इनके पास अब अपनी ताकत है जिससे वो उतना ही अपने दरवाजे खोलें जितना कि वो संभाल सकते हैं और 1990 के दशक तक जो नेहरू के पॉलिसीज़ थे उससे ये नतीजा हुआ था कि अब हम अपने दरवाजे खोल सकते हैं खोलने से हम बिल्कुल दब नहीं जाएंगे परंतु दुनिया के साथ हम उनसे टक्कर लेके इस भूमंडलीकरण का फायदा उठा पाएंगे तो नेहरू के पीरियड में जो हुआ मैं बताऊंगा क्या क्या हुआ थोड़ी देर में उससे ये हुआ कि हम अब दुनिया के साथ एक, एक एक ए, ए, ओ, ओपन अप करके दुनिया के, के साथ अब टक्कर लेके हम अपने को भी फायदा उठा सकते हैं इसके बाद अभी दो मिनट बात करता हूं पहले मैं जरा ये भी बता दूं कि नेहरू के बारे में गाली गलौज तो छोड़ दीजिए उस, उसके साथ मैं, मैं, कैसे गाली के साथ तो कोई गाली देखे नहीं ना आर्ग्यूमेंट होता तर्क से के साथ तर्क होता है अगर कोई झूठ बोल दे कि भाई नेहरू नेहरू के बाप दादे सारे मुसलमान थे या वो ऐसा था वैसा था तो ये तो उसके साथ तो कोई तर्क नहीं हो सकता कि ये तो झूठ है परंतु कुछ तर्क भी हैं जिनका जिनके जिनके साथ मैं तर्क करना चाहता हूँ वो कहते हैं कि नेहरू की जो पॉलिसी थी कि भाई उद्योगीकरण किस किस्म का होना चाहिए कि ये हैवी इंडस्ट्री जो है हुँ? जैसे ट्रैक्टर बनाना मशीनें बनाना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भारत मशीन टूल्स हम्म ये सब बनाना ये सब उनको नहीं करना चाहिए था पर जो आम आदमी के इस्तेमाल में आता है जैसे कपड़ा चीनी हम्म जो, जो, जो आ, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें चाहिए होती है उस पर करना चाहिए था ये एक क्रिटिसिज्म है दूसरा ये कहते हैं कि नेहरू जी ने कृषि पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया वो सिर्फ उद्योगिकरण उद्योगीकरण करते रह गए और कृषि जिसमें कि भारत के ज्यादातर लोग जिस जिसपे जीते हैं वो उन्होंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया चौथा ये कहा जाता है जी कि उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन है वो तो वो भूलिए गई उसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं सिर्फ उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा की बात यह करते रह गए फिर कहा जाता है कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो कश्मीर का मसला ही नहीं होना था हुँ? अगर नेहरू नहीं होते तो कहते हैं ये जो धारा 370 है जो कि अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया गया हम्म कहता वो धारा ही नहीं लगनी थी ये सारी चीजें झूठ है जब 370 लगाया गया तो नेहरू जी भारत में थे ही नहीं जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये इशू आया और इसको इसको लागू किया गया ये पटेल ने किया जिसको आप हीरो बना रहे हैं है? उन्होंने किया नेहरू ने किया ही नहीं पर मैं कहूं तो नहीं होता परंतु हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएंगे नेहरू के बारे में कि उन, उन, उनकी क्या पॉलिसी थी उन्होंने क्या कोशिश करी और उसे हम क्या सीख सकते हैं नेहरू की जो आलोचना होती है मैंने बताया जो साम्राज्यवाद वाले हैं वो तो करते ही हैं पर जो सांप्रदायिकता में विश्वास करते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा जो गाली गलौज है वो सांप्रदायिक ताकतों से आती है वो इसलिए आती है उसका भी एक कारण है कि जब सांप्रदायिक ताकतों को एक मौका मिला था आजादी के टाइम पे जबकि देश का विभाजन होता है पार्टीशन होता है जबकि लाखों लोग मारे जाते हैं पांच लाख लोग मारे जाते हैं करीब 60-70 लाख लोग बेघर हो जाते हैं दुनिया में इतने कम समय के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जनता एक देश से दूसरे देश में चले जाना हिजरत की तरह हुँ? ये पहली बार ही होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक आ, हादसा जो है होता है जिसमें धर्म को लेके लड़ाई हो रही थी तो ये सांप्रदायिक ताकते हैं उन्होंने सोचा कि यह अच्छा मौका है कि अब जब भारत का विभाजन हो गया है तो अब भारत जो है वो तो हिंदू भारत बने जैसे कि उधर पाकिस्तान जो है मुस्लिम पाकिस्तान बना और इसी मौके को इस्तेमाल करना चाहते थे परंतु ये तो भारत की परिकल्पना थी नहीं हु? तो ये और उसको रोकने में नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ था वो तो मैं अभी बताऊंगा कैसे कि ये ऐसा ना हो कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए लोकतांत्रिक नहीं पर एक धर्म के बेसिस पे एक हिंदू राष्ट्र बने तो क्योंकि नेहरू का इसमें इतना बड़ा हाथ था इसको रोकने में इसलिए नेहरू जी को ये बहुत ज्यादा गाली देते हैं अब उनकी उनकी याद को बिल्कुल भुला देना चाहते हैं राजस्थान में टेक्स्ट बुक छपी एक साल पहले जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा और जिसमें नेहरू जी का नाम ही नहीं है जो आदमी इतने साल जेल में रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी जो जिसके अंडर सब राष्ट्रीय आंदोलन लड़ रहे थे जिसके प्रेसिडेंट रहे होते तीन बारी हुँ? उनका उसमें नाम ही नहीं है हु? और अगर उनको नाम आता है तो ये कह के आता है कि अगर नेहरू ना होते पटेल होते तो पता नहीं भारत कहां पहुंच जाता हु? मतलब उनका नाम नेगेटिवली आता है कि वो नाई ना, ना होते तो बड़ा अच्छा होता हुँ? और ये सोच यहां तक पहुंच गई है कि सांप्रदायिक अच्छे अच्छे माने हुए लीडर ये कहते हुए पाए गए कि नाथुराम गोडसे ने गोली गलत आदमी को मार दी गांधी जी को नहीं मार के और नेहरू को मारना चाहिए था कि उनके मानसिकता में नेहरू को तो जान से ही मार देना चाहिए था जिसकी मानसिकता ये होगी वो आप सोच ही सकते हैं कि नेहरू जी के बारे में क्या बोलेंगे जब मैंने शुरू में कहा कि भारत की जो परिकल्पना थी जो मौलिक मूल्य थे हुँ? वो नेहरू जी सबसे ज्यादा उसके आ, उसको आगे बढ़ा रहे थे तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो जिसको मैंने आइडिया ऑफ इंडिया कहा जो भारत की परिकल्पना है वो क्या है हुँ? उसको भी हम समझ लें एक बारी क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि भाई ये राष्ट्रीय आंदोलन की यह परिकल्पना थी जिसको तोड़ा जा रहा है पर वो क्या परिकल्पना थी हुँ? तो उसको मैं संक्षेप में उसके जो चार सबसे मौलिक आधार थे वो मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये जो चार मैं बताऊंगा जो चार मूल्य थे इसमें सब इसको मानते थे सब मतलब सारे जो अलग अलग धाराएं थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हम्म भगत सिंह एक धारा थी गांधी जी एक धारा थे सोशलिस्ट एक धारा थी कम्युनिस्ट एक धारा थे नेहरू एक धारा थे तो ये सारी जो धाराएं थी हुँ? सब एकमत नहीं थे हर चीज पे परंतु कुछ मूल्यों पे एकमत थे वो कौन से मूल्य हैं जिसपे वो एकमत थे जिसको हम आइडिया ऑफ इंडिया कह रहे हैं वो चार मूल्य थे हुँ? पहला था उसमें कि जो भारत होगा आजाद भारत जो होगा वो आजाद होगा हु? आजाद होगा मतलब आजादी के बाद बड़े देश का नहीं बनेगा आजाद होगा और वो साम्राज, साम्राज्य साम्राज्यवाद का विरोध करेगा ये नहीं कि हम आजाद होने के बाद किसी और छोटे देश के ऊपर अपना साम्राज्य बिठा देंगे या कहीं और साम्राज्यवाद हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे हम्म अगर हमको कुछ फायदा निकल रहा है उससे ये नहीं हम आजाद बहेंगे सॉवरेंटी होगी आजाद भी होंगे और साम्राज्यवाद के खिलाफ चाहे वो कहीं भी हो हम लड़ेंगे ये एक परिकल्पना थी दूसरी और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज खतरे में है हुँ? कि भारत जो बनेगा वो एक लोकतंत्र बनेगा प्रजातंत्र अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी वो इसी इशू में थी कि भारत का नागरिक जो है उसकी बात नहीं मानी जा रही उसकी बात से सरकार नहीं बन रही एक विदेश का कोई आ, आ, एक विदेश जो है कोई दूसरा देश है जो वो वो डिसाइड कर रहा है कि भारत में क्या होगा मतलब प्रजातंत्र लोकतंत्र डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं ये बिल्कुल शुरू से जब से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है उन्नीसवी शताब्दी में जो आधुनिक आंदोलन शुरू होता है उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइया हुई हैं पर वो आधुनिक राष्ट्र का परिकल्पना से नहीं हुई जो आधुनिक भारत जिस, जिस जिसके हम उत्तराधिकारी हैं ये भारत जो है इसकी जो परिकल्पना ये उन्नीस शताब्दी में होती है उसमें ये प्रजातंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है लाइक like, uh, 19वीं शताब्दी में ही लोकमान्य तिलक कहते हैं कि भारत जो बनेगा उसमें uh, जो मताधिकार होगा वो हर नागरिक का होगा हर बालिक नागरिक जो है उसको मताधिकार होगा इसका मतलब क्या कि हम भारत जो रिपब्लिक होएगा जो देश बनेगा उसमें हर एक आदमी चाहे उसका आ, उसका जेंडर क्या हो चाहे उसका धर्म क्या हो हुँ? या उसका उसकी कास्ट क्या हो इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हर हर नागरिक को बराबर वो मिलेगा हम्म ये सोच जो है उस 19वीं शताब्दी के लिए बहुत आगे बढ़ी हुई सोच थी अभी तक यूरोप के देशों में हर नागरिक को वोट नहीं मिलता था कई कई देशों में था कि भाई इतने पढ़े लिखे लोगों को वोट मिलेगा या इतने इनकम वालों को मिलेगा जिसके पास इतनी जमीन है वो वोट दे पाएगा कई मुल्कों में था कि भाई औरतें वोट नहीं दे पाएंगी कई मुल्कों में था कि भाई जो सफेद चमड़ी वाले हैं वो वोट दे पाएंगे जो, जो काले हैं वो नहीं दे वोट दे पाएंगे अमेरिका जैसी देश जहाँ पे सारे हिंदुस्तानी आजकल भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वहां पे भी 1960 तक 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में आके भी वहां 1960 तक ये लड़ाई थी कि जो काले रंग के हैं काली चमड़ी वाली हैं क्या वो वोट दे सकते हैं क्या आपके साथ वो एक ही क्लासरूम में बैठ सकते हैं क्या वो आपके साथ एक ही होटल में जा सकते हैं ये सवाल चल रहे थे हु? और यहाँ पे 19वीं शताब्दी में उससे 100 साल पहले हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो लीडर थे वो कहते थे हमारे देश जो होगा वो एक लोकतंत्र होगा वहां पे किसी भी चीज पे ना रंग पे ना आपके लिंग पे ना आपके धर्म पे ये डिसाइड होगा कि आपका नागरिकता क्या है आजकल तो नागरिकता आप देख ही रहे हैं नागरिकता धर्म के ऊपर बनाई जा रही है अब नागरिक अगर इस धर्म के हैं तब तो बड़े आसानी से नागरिक बन सकते हैं अगर उस धर्म के हैं तो आपको सौ डॉक्यूमेंट निकालने पड़ेंगे हुँ? ये चीज ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों में बिल्कुल भी नहीं था बिल्कुल दूसरी आ, सोच थी उनकी तीसरी चीज जो है ये प्रजातंत्र से ही आती है वो है धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों के में यह था कि प्रजातंत्र डेमोक्रेसी तभी हो सकता है अगर हर धर्म का आदमी हर कास्ट का आदमी का वोट जो है वो एकदम बराबर हो उसकी उतनी वो उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कि दूसरा, है। अगर ये नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी कैसे हो गई हु? तो डेमोक्रेसी दि और सेक्युलरिज्म ये जो दो शब्द हैं कि राष्ट्र लोकतंत्र और आ, एक धर्म निरपेक्ष देश दोनों एक एक ही चीज है अगर लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं तो धर्म निरपेक्षता जरूरी है और अगर आप धर्म निरपेक्षता तभी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ लोकतंत्र है आप ये नहीं कह सकते भी हम तो जिस हर एक धर्म को एक ही मानते हैं परंतु जो जो हिंदू होगा उसका वोट जो है वो तो वोट है जो मुसलमान है उसका वोट वोट नहीं है ये तो नहीं ना हो सकता अगर लोकतंत्र है तो हरेक जो संप्रदाय है उसकी बराबर हक बनता है ये तीसरी चीज है और चौथी जो मानसिकता थी जो मूल्य था जिसमें सब अग्रीड थे, से से गांधी जी से लेके नेहरू तक चौथी चीज जो थी कि एक गरीब नवाजी जो गांधी जी जिसको कहते हैं दरिद्र नारायण कि आपका जो चेहरा है वो थोड़े गरीबों की तरफ भी मुड़ना चाहिए देश को आगे बढ़ना है पर देश क्या है देश उसके आम आदमी है ये जो आ, सोच थी ये हमारे आजादी की लड़ाई में शुरू से शताब्दी से राधा तिलक के समय से लेके गांधी से होते हुए आ, लाला लाजपत राय से लेते हुए आपके सुभाष बोस भगत सिंह जवाहरलाल नेहरू सबके परिकल्पना में ये था कि देश का मतलब जमीन नहीं देश का मतलब हिस्सा नहीं कि यहां से लेके यहाँ तक ये यह देश है देश का मतलब कि इसके लोग और इसके लोग मतलब इसके ये एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के परिकल्पना में आइडिया ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये चारों चीजें जो है आज आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा इन चारों चीजों पे बहुत जबरदस्त आजकल हमला हो रहा है और नेहरू जी इन चारों चीजों के बनाने में तैयार करने में और उसको भारत में एक बेस बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था okay. एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये जो परिकल्पना थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की ये एक बहुत अः बहुत बड़ी एवं बहुत नई चीज थी हुँ? उस उस वक्त दुनिया में जिसके जिससे हम अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर सकते हैं कि सारे दुनिया में उस वक्त जो देश बनाने की नेशन बनाने की जो राष्ट्र बनाने की जो थी उससे ये हटके थी उस वक्त यूरोप में जब देश सारे नए नए बन रहे थे पहले देखो पहले देश नहीं होते थे पहले बड़े बड़े सा, साम्राज्य होते थे एम्पायर होते थे है ना जैसे हमारा मुगल एम्पायर था या उसके पहले मौरियन एम्पायर था विदेशों में कोई बाइजटन एम्पायर है कोई टर्किश एम्पायर है कोई अलग अलग एम्पायर होते थे हम्मबर्ग एम्पायर है हु? और कई देश उसके अंदर आ जाते थे यूरोप एक दो एम्पायर के अंदर सारा यूरोप आ जाता था उनके बीसियों देश उसके अंदर आ जाते थे फिर अठारहवी शताब्दी उन्नीस शताब्दी में जाके ये एम्पायर टूट जाते हैं ये बड़े बड़े साम्राज्य टूट जाते हैं राज टूट जाते हैं और उसमें से देश बनते हैं परंतु यूरोप में देश कैसे बनते हैं उसमें बनते हैं एक भाषा एक धर्म के बेसिस पे देश बनते हैं जैसे कि कैथोलिक फ्रांस ये भी नहीं कि क्रिश्चियन फ्रांस क्रिश्चियंस में भी जो कैथोलिक हैं, उनका फ्रांस बनता है क्रिश्चियंस में जो प्रोटेस्टेंट है उनका इंग्लैंड बनता है हा? तो एक रिलीजन हुआ एक भाषा फ्रांस में पहले कई भाषाएं बोली जाती थी जैसे हिंदुस्तान में कई भाषाएं बोली जाती हैं पर उनको सब हटा के अब एक भाषा बना दिया गया हुँ? जर्मनी एक देश कैसे बना सारे जो जर्मन बोली वाले हिस्से थे यूरोप में वो इकट्ठे होकर उन्होंने अपने आप को जर्मनी बनाया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कहते हैं इटली भी ऐसे बनाया गया सारे इटली इटालियन बोलने वालों को तो एक भाषा एक धर्म से वो देश बने उस वक्त उन्नीसवी शताब्दी में यह परिकल्पना हमारा जो देश होगा उसमें जितना विविधता होगा उतना ही अच्छा है उसका हम उत्सव मनाएंगे ये नहीं कि हम इसको एक ही भाषा बना देंगे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये तो इस स्लोगन पे तो लोग हंस देते कि ऐसे तो कोई देश बन ही नहीं सकता क्योंकि इस देश में तो अंग्रेज भी यही कहते थे कि भारत कैसे देश बन सकता है भारत 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 तो एक सिर्फ एक भौगोलिक हिस्सा है अब उसको देश कैसे कह सकते हो तो इसमें तो सौ सौ भाषाएं हैं इसमें तो हरेक दुनिया में जो भी धर्म है क्रिश्चियनिटी राष्ट्रियनिज्म आपके इस्लाम इस्लाम मतलब प्रॉफिट के अभी जिंदा थे तब इस्लाम भारत में आ गया था सोचिए आप जब जब से इस्लाम है तब से वो भारत में है क्रिश्चियनिटी भी शुरू से ही यहाँ पे है हु? तो इसमें तो सारे धर्म है तो ये देश कैसे हो सकता है ये देश इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारी जो परिकल्पना थी उसमें हमने कहा कि भारतवर्ष वैसा देश है जिसमें तो हम उत्सव मनाते हैं कि भाई हमारे कितनी सारे देखो भाषा है हमारे पास हुँ? एक भाषा का आगे बढ़ना उससे कोई देश को नुकसान नहीं होता कि बल, बल्कि देश की बढ़ाई होती है अगर कई किस्म के धर्म है तो ये तो फायदे की बात समझी जाती थी हुँ? कि एक दूसरे से सीखेंगे एक दूसरे का एक, एक हमारा कल्चर तैयार होगा जो कि कॉमन होगा जो एक दूसरे से सीख के बढ़ेगा राजस्थान और गुजरात जैसी जगह में हजारों लोग हैं हजारों जो अभी तक अभी तक अगर आप पूछो कि आप क्या हो तो वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान हूं या कहते हैं मैं मुस्लिम हिंदू कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को दोनों से कुछ रिवाज इनके मानते हैं कुछ रिवाज उनके मानते हैं आप तो जानते ही है राजस्थान के जो जो सिंगर्स होते हैं जो मंगनीहार जो की सारी दुनिया में फेमस हो गए खास करके जब जब फ्रांस के लोगों ने उनको बहुत बड़ा माना कि हमारे तो हमको तो चाहिए होता है ना कि विदेश का कोई पहले कहे कि अच्छी चीज है तो फिर हम कहते हैं अच्छी चीज है हुँ? तो अब आपको मालूम है कि इनकी जो कला है मंगनीहारों की जिसमें शास्त्रीय संगीत को उन्होंने लोक संगीत के साथ इस तरह से मिलाया है कि दुनिया दुनिया अचंबा करती है इस हम्म तो ये मंगनीहार सारे क्या करते हैं आप मुझे राजस्थान के लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं आपको मालूम है कि वो लोगों के घरों में जाके उनके लिए गाना गाते हैं उनके परिवार की हिस्ट्री बताते हैं हम्म और किन के घर में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई फर्क नहीं करते हम्म और ज्यादातर मंगनीहार मुसलमान है और गाते जा, जा, गाते जो उनकी गीत उन, उनके सुनो वो कैलाश के बारे में किशन के बारे में और ये सब और उनके कभी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं मुसलमान हूं तो मैं ये गीत कैसे गा रहा हूँ और मैं हिंदुओं के लिए क्यों गा रहा हूँ ये ये जो थी ये जो संग, संग मिश्रण था हु? अलग अलग धर्मों का अलग अलग भाषाओं का इसी से भारत जो है दुनिया से अलग मानी जाती थी इसीलिए जो भारत की जो संस्कृति है दुनिया में मानी हुई है कि आप लोग कैसे एक देश बन सकते हो जिसमें इतनी विभिन्नता है यूरोप आपको मालूम है यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन बनाने की कोशिश चलती रही वो हर कुछ साल में टूट जाती है कभी ब्रिटेन निकल जाता है कभी इसको भगा देते हैं कभी कहता है टर्की तुम नहीं आ सकते तुम्हारे यहां तो मुसलमान बहुत ज्यादा हैं वो एक अभी तक एक यूनियन ठीक से नहीं बना पा रहे अभी तक आज तक और यूरोपियन यूनियन वाले भारत आके देखते हैं तुम कैसे एक देश बन गए तुम्हारे में तो यूरोप से दस गुना ज्यादा तो तो एक एक थे जिसको हम अब बर्बाद करने में तुले हुए हैं क्योंकि हम अब यूरोप को कॉपी कर रहे हैं हम अब इस देश को एक सिर्फ एक धर्म और एक धर्म वो एक किस्म का जो कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जी, जी, जैसे माना जाता है वैसे ही मानना पड़ेगा आपको मालूम है कि रामायण भी जो है ना वो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह तरह की कहानी है उसके बारे में कहीं पे रावण हीरो है तो कहीं राम हीरो है न? तो वो वो इस विभिन्नता को नहीं चाहते वो कहते हैं जो मेरे इलाके में जो है वही सारे भारत में हो तो ये नहीं चल सकता चलिए नेहरू जी पे वापस आते हैं न? तो हाँ तो ये जो परिकल्पना थी मैंने कहा हमारे राष्ट्रीयवाद की क्या कै, कैसा भारत बनेगा इसमें एक तो ये थी कि ये विभिन्नता होगी इसमें और दूसरी बात इसमें ये थी कि ये परिकल्पना आम आदमियों के दिमाग में चली गई थी क्यों क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था वो बहुत लंबा लंबे अरसे तक चला करीब सौ साल उन्नीसवी शताब्दी के बीच से लेके आजादी तक जो कि बीसवीं शताब्दी के बीच में आती है करीब सौ साल चलता है और ये आंदोलन जो था ये आम आदमियों के साथ जुड़ा हुआ आंदोलन था मास मूवमेंट जिसको कहते हैं हुँ? ये वैसा आंदोलन नहीं था जो कि कुछ गरीला मतलब जो बंदूक उठा के छोटे छोटे झुंड बना के जो एक पावर कैप्चर कर लेते हैं ये वैसा नहीं था आंदोलन हम्म आंदोलन था आम आदमियों का आंदोलन हु? और दुनिया में सबसे बड़ा आम आदमियों का आंदोलन ये माना जाता है जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी हिस्सा लेता है जिसमें औरतें हिस्सा लेती हैं जिसमें आदमी हिस्सा लेते, है, लेते हैं हर किस्म के लोग हिस्सा लेते हैं और बड़ी जबरदस्त नंबरों में लेते हैं जब भी तो अंग्रेजी सरकार को भगा सकते हैं इतना इतना बड़ा साम्राज्य जिसमें ये कहा जाता था कि इसमें कभी सूरज नहीं डूबता है इतना बड़ा साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य उसको उखाड़ के कैसे फेंक सकते थे बंदूकों से तो नहीं फेंका ना क्योंकि लाखों करोड़ों भारत भारतवासी जो थे वो इकट्ठे हुए हुँ? तो ये जो आम आदमियों का आंदोलन था इसका नतीजा ये हुआ कि सौ साल से आंदोलन से कि इसके जो मूल्य थे ये आम आदमियों के दिमाग में बैठ गए कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक होगा हमारा देश जो है वो आजाद होगा हमारे देश हमारा देश धर्म के बेसिस पे नहीं बनेगा अभी आपने देखा जब कोशिश चली कि भाई नागरिकता सिर्फ धर्म पे होएगी, कैसे आम आदमी निकल के सड़क पर उतर आए उनको मार पड़ी पर निकल तो आए स्कूलों के बच्चे छोटे छोटे औरतें हम्म सड़क में बैठ गई उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है हमारे देश की परिकल्पना तो ये नहीं थी हम्म क्योंकि आम आदमी के दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि हमारे देश में हर एक बंदा जो है वो बराबर है हु? ये हम धर्म के बेसिस पे हम पाकिस्तान नहीं है कि वहां पे सिर्फ जो मुसलमान है वही सिटीजन है जो मुसलमान गैर मुसलमान है वो सिटीजन नहीं है ये पाकिस्तान नहीं है हम भारतवर्ष को पाकिस्तान नहीं बना सकते तो ये जब परिकल्पना आम में आ गई इसका मतलब ये हुआ कि जब आजादी आई उस वक्त जो लीडर जो भी लीडर बने नेहरू जी की बात छोड़ो वो ये नहीं सोच सकते थे कि चलो हम आजाद हो गए अब हम क्या करते हैं कि हम एक सरकार ऐसी बनाते हैं जो कि लोकतांत्रिक नहीं है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाते हैं कठोर सरकार बनाते हैं जो कि देश को जल्दी से प्रगति की तरह ले जाएगा हु? इंडस्ट्री बढ़ाएगा पहले पहले प्रगति करेंगे हु? और जब खूब पैसा वैसा हो जाएगा लोगों के पास इनकम बढ़ जाएगी फिर हम आजादी की बात सोचेंगे मतलब लोकतांत्रिक आजादी की बात सोचेंगे ये जो प्लान है ये भारत में कोई नहीं कर सकता था ऐसे कई देशों ने किया ये जो सारे आजाद हुए देश सारी दुनिया में जो पहले गुलाम देश थे जब आजाद हुए उनमें से भारत एक या दो में से है जहां पे लोकतंत्र बन सका बाकी सब जगह कोई ना कोई एक ऐसे सरकारें आई जो लोकतंत्र लोकतांत्रिक नहीं थी कहीं तो मिलिट्री रूल था मिलिट्री चलाती थी और कहा मिलिट्री ना भी हो तो जो दूसरी जो जो जनता की सरकार भी जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक नहीं थी हुँ? तो भारत में ये ये परिकल्पना नहीं चल सकती थी क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सोच में बेसिक सोच में था और वो सोच भारत के लोगों में पहुंच तो इसका मतलब यह हुआ कि के बाद नेहरू के पास जो रास्ता था वो पहले से हमारे इतिहास ने पहले से ही लिख दिया था कि आपको इस रास्ते पे चलना है आप इसके बाहर नहीं जा सकते आपको प्रगति लानी है पर लोकतंत्र के साथ आपको इंडस्ट्रियलाइज करना है औद्योगिकरण करना है परंतु आजादी के साथ ये नहीं कि भाई हम अमेरिका के चमचे बन के आजाद कर लें। हुँ? जैसे कि जापान की ग्रोथ हुई इस जापान की औद्योगिकरण इतनी जल्दी से तब हुई जब अमेरिका के नीचे जूनियर पार्टनर के हिसाब से तो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से करीब 20 साल हुँ? वो अमेरिका के नीचे दबे दबे हुए रहे तब जाके उनकी इतनी जोर की इतनी तेजी से औद्योगिकरण हो पाई थी तो ये रास्ते हमारे लिए खुले नहीं थे नेहरू जी के लिए नहीं खुले नहीं थे उनको जो तरीका अपनाना था वो दुनिया में पहले कभी हुआ नहीं था कि ये जो औद्योगिकरण आजादी के साथ एवं लोकतंत्र के साथ यह एक नया एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा पर मैं सबसे पहले यह बताऊं कि आजादी के बाद बिल्कुल उस वक्त जब आजादी आई भारत जब एक देश बना सौ साल की लड़ाई के बाद उस वक्त जिस जिस परिकल्पना से यह देश बना उसी पे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया सबसे पहला खतरा आजादी के टाइम पे ही आया सबसे पहला उस परिकल्पना पे खतरा उस पे उस पे वार जो है वो आजादी के टाइम पे आया वो इसलिए आया कि हमारे आजादी के साथ साथ ही हमारे देश का विभाजन हुआ पार्टीशन भी उसी टाइम पे हुआ वो इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे को धर्म के धर्म के बेसिस पे हमें बांटा और अंग्रेजों के साथ हमारे सांप्रदायिक जो ताकतें थी वो उनके साथ लग लिए तो सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई थी कि उन्नीस में इस देश को कोई रोक नहीं सकता था एक नहीं रख सकता था वो टूट गया और टूटा तो बड़ी बुरी तरह से टूटा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इतने लाख लोग मारे गए इतने लाख लोग बेघर हो गए बहुत बुरी तरह हु? और उस वक्त उसी सिचुएशन में गांधी जी की भी हत्या कर दी जाती नुमाइंदे ने कर दी एक ऐसा सिचुएशन तैयार किया गया कि इस वक्त लोगों के मन में धर्म के रहे हैं। हुँ? ये मौका है कि हम अब भारतवर्ष हुआ है, इसको हम हिंदू राष्ट्र बना दें इस वक्त जो हिंदू सांप्रदायिक था कि ये अच्छा मौका है इसको हम नहीं छोड़ सकते तो उस वक्त पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो एक थी, उसको पीछे अपने रखते हुए नेहरू जी ने बहुत बड़ा एक आ, रोल प्ले किया ने ने कहा कि ये हम नहीं होने देंगे मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा 1946 से ये पार्टीशन इसलिए होता है कि भारत का विभाजन इसलिए होता है कि जो सांप्रदायिकता इस कदर बढ़ गई थी 1940 के दशक में पहले नहीं थी भारतवर्ष में को बताया इस्लाम भारत में तब से तब से इस्लाम पैदा हुआ जब प्रॉफेट मोहम्मद अभी जिंदा थे तब से इस्लाम यहां पे है तो उनमें लड़ाई नहीं हो रही थी ये लड़ाई तैयार करी गई अंग्रेजों ने उसको हेल्प किया ये सांप्रदायिक तो नहीं इसको तैयार किया एक दूसरे में दुश्मनी जहर भरा उसका नतीजा ये हुआ कि 1940 के दशक में मारकाट शुरू हो गई पहले कलकत्ते में किलिंग हुई 1940 में नारायण जेबी कृपलानी वो सबको लेके बिहार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जब तक ये रायट नहीं रुकता तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा <coughs> आप सोचिए जरा जिस नेहरू को नेहरू जी को हम आजकल गाली गलौज कर रहे हैं हु? कि उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम राइट में नहीं होने दूंगा और वो सारा कैबिनेट लेके वहां जाते हैं और आपने देखा आपके सामने नेहरू जी के कितने सालों बाद गुजरात हो जाता है हु? और कोई वहां नहीं पहुंचता मुजफ्फरनगर हो जाता है और वहां कोई नहीं पहुंचता वहां पे पूरी एथनिक क्लेंजिंग हो जाती है पूरे मुसलमान गांव से निकाल दिए जाते हैं वापस भी नहीं आते राइट के बाद पर कुछ नहीं होता है वाली बात यहां पे है आजादी के चार दिन बाद ही नेहरू साफ साफ कहते हैं कि हमारा जो देश है ये सांप्रदायिक देश नहीं है कम्युनल स्टेट नहीं है ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक स्टेट है और इसमें हर नागरिक को बराबर इक्वल राइट होगा और कहते हैं ये मेरी सरकार जो है ये ये करके रहेगी डिटरमिंड है कि हम हर नागरिक के जो अधिकार है चाहे वो किसी भी धर्म का हो उसको हम उसको बचाएंगे ये वो प्रण ले लेते हैं आजादी के चार दिन बाद और यही काम वो करने लगते हैं जबकि मैंने बताया कि सारे देश में इतनी जबरदस्त मारकाट होती है पार्टीशन होता है रेफ्यूजी आते हैं और उस वक्त जब ये गांधी जी का मर्डर होता है तो नेहरू साफ साफ कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी में लिखते हैं न? वो कहते हैं कि भाई ये किसी एक पागल आदमी का काम नहीं है ये एक पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है एक एक संगठन का काम है और उसका नाम भी लेते हैं वो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो है उन्होंने इसको करवाया है क्यों इसलिए करवाया है कि ताकि सारे देश में एक हलचल मच जाए और सिर्फ एक किलिंग नहीं ये और भी ऐसे आ, मर्डर की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारे देश में एक हलचल मच जाए और उस हलचल में से वो एक हिंदू राष्ट्र का संस्थापना कर सकें मतलब स्टेट का जो नेचर है वो कहते हैं कि स्टेट का नेचर ही बदलना चाहते हैं नेहरू कहते हैं ये हम नहीं होने देंगे और इस का नहीं होने देने में उस वो जो पहला इलेक्शन आता है हमारा देश का और इस पे इसको गौर करना चाहिए आपको कि उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कोई भी इलेक्शन इस किस्म का नहीं हुआ जो सबसे पहला लोकतांत्रिक इलेक्शन भारतवर्ष में आजादी के बाद होता है उन्नीस सौ में उसमें नेहरू जी इसको सबसे महत्वपूर्ण सवाल रखते हैं लोगों के सामने अंग्रेजी में रेफरेंडम कहते हैं कि ये इलेक्शन में और कोई मुद्दा नहीं है यही मुद्दा एक मुद्दा है हुँ? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वो कहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या भारतवर्ष पाकिस्तान की तरह एक हिंदू स्टेट बनेगा हिंदू राष्ट्र बनेगा कि भारतवर्ष लोकतंत्र बनेगा चाहे पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट क्यों ना हो हुँ? और इस पे वो सारे देश में घूमते हैं वो और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे लीडर जो उस वक्त तभी भी एक्टिव थे सारे देश में घूमते हैं नेहरू जी करीब चालीस हजार किलोमीटर यात्रा करते हैं चालीस हजार किलोमीटर इस इलेक्शन के लिए और उनके पास कोई आठ हजार करोड़ की प्लेन नहीं थी जो हमारे प्रधानमंत्री के पास अभी है आठ हजार करोड़ की हम्म चालीस हजार किलोमीटर घूमते हैं और करीब 350 लाख लोगों से 350 लाख लोगों से वो डायरेक्टली बात करते हैं मतलब करीब हर दस 10 दस भारतीय में से एक के साथ वो बात करते हैं डायरेक्टली और ये समझाने के लिए कि हमें इस इलेक्शन में ये डिसाइड करना है कि हम लोकतंत्र बनेंगे कि या हम एक हिंदू राष्ट्र बनेंगे और उस इलेक्शन में जो सांप्रदायिक ताकतें थी उनकी बुरी तरह हार होती है उनको सिर्फ सिर्फ वोट मिलते हैं चार सौ अठानवे में ये सारे आपके हिंदू महासभा जनसंघ राम राज्य परिषद ये सारे जो सांप्रदायिक ताकत थी इनके सब मिलके हुँ? तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि उस सिचुएशन में जहां पे लोगों के धर्म के बेसिस पे पारे इतने चढ़े हुए थे उस सिचुएशन में एक इलेक्शन करवाना जो कि शांतिपूर्वक होता है और जिसमें भारत के लोग सब मिलके कहते हैं कि हम तो नहीं आगे बढ़ाएंगे हमारा राष्ट्रीयवाद ये है कि हम एक लोकतंत्र बनाएंगे फिर आते हैं हम दूसरा सवाल समय निकलता जा रहा है जो नेहरू जी जिसको लेते हैं एक तो मैंने सेक्युलरिज्म की बात करी सांप्रदायिकता की बात करी दूसरा सवाल लोकतंत्र का कि लोकतंत्र को भारत में कैसे कायम किया जाए इसके लिए जो ये सारा पार्लियामेंट का सिस्टम है तो कैबिनेट का सिस्टम है इसको नेहरू जी बहुत जोरों से आगे बढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि ये देश इतना विभिन्न है इतना बड़ा है इस टू अ कंट्री विथ टू मेनी डाइवर्सिटीज कि यहाँ पे कोई एक बड़ा स्ट्रोंग मैन चाहे उसकी कितनी बड़ी छाती क्यों ना हो कि आप सोचिए कहते वो नहीं चलेगा इस देश में नेहरू जी उस वक्त कह रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र ही चल सकता है डेमोक्रेसी चल सकती है तो कहते हैं कि का मतलब है विपक्ष इस जमाने में सोचना बहुत जरूरी है लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि विपक्ष को भारत को विपक्ष मुक्त कर दो ये तो बड़े बड़ बड़े लीडर आज कहने लग गए हैं कि भारत को इससे मुक्त कर दो उससे मुक्त कर दो मतलब विपक्ष खत्म हो जाए तो ये लोकतंत्र बन जाएगा ये तो बिल्कुल उल्टा है नेहरू जी कहते थे कि लोकतंत्र तो तब बनेगा अगर विपक्ष बड़ा स्ट्रांग हो जब अगर विपक्ष नहीं है तो कोई लोकतंत्र नहीं है इसीलिए वो पार्लियामेंट में जाते थे हर एक की बात सुनते थे हर एक सेशन में जाते थे कभी भी नहीं है कि नहीं जाएंगे आप आजकल तो देखते ही आप कौन जाता है कौन नहीं जाता है हुँ? और अपने कैबिनेट में हरेक ये नहीं कि जो वो सोचते थे वही होगा कई कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में ये लिखा है कि नेहरू जी हर एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपनी पूरी आजादी देते थे, थे कि वो अपनी बात रखे और फिर जब नेहरू जी देखते थे कि भाई विपक्ष बहुत ज्यादा वीक है और सब उनकी तारीफें कर रही हैं तो नेहरू जी अपने अपने बारे में ही अखबार में आर्टिकल लिखते थे जिसमें वो दूसरे किसी के नाम से चाणक्य के नाम से जिसमें उन्होंने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज किया अपने आप पे अपने आप पे आलोचना करी और ये आलोचना का जो असली मुद्दा था वो ये कि भारतवर्ष में कोई भी चाहे वो नेहरू क्यों ना हो कोई भी ऐसे नहीं उभर के आना चाहिए कि उस लोगों को लगे कि एक आदमी के ऊपर ही सारा देश निर्भर है ये देश लोकतंत्र है इसमें किसी एक आदमी का डिक्टेटर बनने का खतरा नहीं होना चाहिए अब मैं आखिरी सवाल में आता हूं जो कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि भारत को एक आजाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कैसे बनाया जाए आजादी के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजादी के बाद यह आता है कि आपको राजनैतिक आजादी तो मिल गई पर जिससे आपने राजनीतिक आजादी ली उससे आपको आर्थिक आजादी नहीं मिली जब भारत आजाद हुआ उस वक्त हम एक सुई एक घड़ी एक प्लायर्स एक रेंच तक नहीं बना सकते थे तो अब आप ये सोचिए कि आपने अब आप, आप, आप कह रहे हो कि जी अब तो हम औद्योगिकरण करेंगे औद्योगिकरण करने के लिए क्या करोगे फैक्ट्री लगाओगे ना फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए मशीन चाहिए पर मशीन तो आपके पास है नहीं तो मशीन किससे लेने जाओगे अब उसी के पास जाओगे जिससे आपने आजादी राजनीतिक आजादी ली है हुं? इसको न्योकोलोनियलिज्म कहते हैं कि एक किस्म की जो उपनिवेशा उपनिवेश बात थी वो तो खत्म हो गई पर ये एक दूसरे से दूसरे तरह से आ रही है कि आपको राजनीतिक आजादी मिल गई पर आप पे पूरा कंट्रोल जो है आर्थिक कंट्रोल रहेगा तो नेहरू ने कहा ये आजादी कोई आजादी नहीं है जब तक हमारी आर्थिक आजादी नहीं होगी तो उसीलिए उन्होंने एक एक परिकल्पना बनाई जिसको नेहरू महारणबिस स्ट्रैटेजी बोलते हैं जो उन्होंने प्लान बनाए तो आपको मालूम है कि प्लानिंग उन्होंने शुरू करी थी अब तो प्लानिंग कमीशन ही बंद कर दिया गया है क्योंकि नेहरू जी के साथ नेहरू जी के जो भी विचार थे चाहे वो कितने भी अच्छे हो उनको भी फेंकना जरूरी हो गया है हुँ? तो वो प्लानिंग जो उन्होंने शुरू करी तोहरू मालन प्लान उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें इस देश में अपने मशीन बनाने आने चाहिए नहीं तो हमारी औद्योगिकरण कैसे होगी हम आगे कैसे बढ़ेंगे ग्रोथ तभी होती है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने खूब जोर दिया तो जो उनके 15 -20 साल में जो नेहरू के नीचे थे उन्नीस से लेकर करीब उन्नीस तक उनकी उनकी उनका ध्यान चौसठ पे हो जाता है पर ये जो शुरू के जो पंद्रह बीस साल थे उसमें भारत का उद्योगीकरण बहुत तेजी से होता है हुँ? उसके अगर पिछले पचास साल से आप देखो तो बहुत तेजी से होता है परंतु सबसे बड़ी बात है कि उसमें किस से में तेजी होती है सबसे ज़्यादा जो वो उस किस्म के उद्योग हैं जैसे कि स्टील जैसे कि केमिकल जि जिससे आप हेवी इंडस्ट्री बना सकते हैं हु? वो करीब चार गुना बढ़ते हैं तो यही टाइम था जब आपके भारत है जब आपके ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स तो पहली बार घड़ी बनती है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान मशीन टूल बनती है नेहरू जी के टाइम पे तो उस वक्त ये बहुत जबरदस्त जोरों से किया जाता है नतीजा ये होता है कि 1960 तक पहले आजादी के पे आपको करीब पचानवे जो मशीनें थी वो आपको आयात करनी पड़ती थी विदेश से मांगनी पड़ती थी खरीदनी पड़ती थी खरीदनी या मांगनी पड़ती थी तक तैतालीस परसेंट बनाते थे और 1974 तक नेहरू पॉलिसी फॉलो करके सिर्फ नौ परसेंट सिर्फ नौ प्रतिशत हमको इक्यानवे प्रतिशत हम हम खुद बना लेते थे ये ही नेहरू की जो ये कहते थे कि बेकार के उन्होंने 40 साल कर दिए हमारे खराब नहीं किए इन चालीस सालों में इन नेरों के नेरों के सोच पे चलने वाले चालीस सालों में भारत को एक आजाद देश बनाया जाता है इसी इसी के ये इसी से जो हमारी आर्थिक आजादी होती है इसी से हमारी दूसरे देशों के साथ जो फॉरेन पॉलिसी आजाद फॉरेन पॉलिसी बनती है इसके बेसिस पे बनती है हम गुट देश कैसे बने ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है करीब सौ देश भारत की लीडरशिप में था इसके नीचे सौ देश दुनिया में थे जिन्होंने कहा कि हम ना अमेरिका के साथ जाएंगे ना हम सोवियत यूनियन के साथ जाएंगे हम हम हमने पढ़ाई कि हम नहीं हम आजाद देश बनेंगे हुँ? ये इसीलिए हो सका क्योंकि ये आर्थिक आजादी जो नेहरू जी ने करी हम्म जिसको जिस सिर्फ आत्मनिर्भरता कहने से नहीं होता ये उन्होंने करा या मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं कि आपको एक सुई तक नहीं बनानी आती थी और आप अपने ट्रैक्टर अपने डीजल इंजन अपने स्टील मिल्स सब कुछ आप बनाने लग गए पंद्रह तो ये, ये भारत की आध, आर्थिक आजादी ये थी अपनी अपनी वेश, को तोड़ना उसके स्ट्रक्चर को अनस्ट्रक्चर करना हुँ? एक नेहरू जी की और बहुत आ, जबरदस्त कंट्रीब्यूशन uh, थी जिसके बारे में कहना चाहूंगा वो था कि नेहरू जी ने अपने समय में ये समझ लिया था कि भारत की जो उद, उ, सारे दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई औद्योगिक क्रांति हुई वो तो भारत मिस कर गई थी उन्नीस सौ उन्नीसवीं शताब्दी में होती है हुँ? तो वो वो रेवोल्यूशन तो मिस हो गया वो क्रांति तो भारत ने मिस कर दिया था है ना उन्होंने कहा अब अगला जो क्रांति आने वाला है वो ज्ञान की क्रांति होगी नॉलेज रेवोल्यूशन होगा या जिसको सूचना की क्रांति कहते हैं इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन होगा तो ये नेहरू जी शुरू में ही समझ गए थे और इसलिए पहले प्लान से ही 1950 से ही वो शुरू कर देते हैं ये सारा जोर भारत में की ज्ञान के ऊपर ये सारे जो आई आई जिसके जिसको लेकर हम अब अपना छाती फुलाते हैं दुनिया भर में आईटी आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जहाँ फिजिक्स किया जाता था नेशनल केमिकल लेबोरेटरी भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहाँ पे ये एटॉमिक रिसर्च भारत में पहली बार शुरू हुआ ये सब स्पेस रिसर्च ये सब 1950 के दशक में ही शुरू हो जाते हैं नेहरू के टाइम के बनाए हुए हैं उसका नतीजा ये है कि अब जो दुनिया में आ, सूचना की क्रांति हुई है उसमें भारत एक हिस्सा ले सकता है हम नेहरू के कंधों पे खड़े हैं ये सोचना कि अगर वो ना होते तो हम पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं ये एक किस्म का बहुत ही बड़ा भ्रम है हुँ? ये कहना कि नेहरू जी क्योंकि नेहरू जी हायर एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी पे इतना जोर देते थे हम्म इसलिए उन्होंने जो प्राथमिक एजुकेशन है उसको इग्नोर किया ये भी एक एक बहुत एक बहुत बड़ा झूठ है नेहरू के टाइम पे जो सरकारी स्कूल होते थे उसी में पढ़ते थे आपके बाप दादे और हमारे बाप दादे उसी में से निकले हैं जो आज भारत के बड़े बड़े लीडर हैं सारे आज की जो दशा है जिसमें पब्लिक एजुकेशन जो खास करके प्राथमिक लेवल पे जो खत्म हो गई है जो कि गरीब से गरीब आदमी अब सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि किसी प्राइवेट स्कूल में भेजता है चाहे उसको अपने पेट काट के क्यों ना भेजना पड़े ये जो दशा है ये नेहरू जी की बनाई हुई नहीं है ये दशा हम लोगों ने खुद नेहरू के बाद बनाई है हुँ? अगर इसको ठीक करना है तो नेहरू जी को गाली देके ठीक नहीं होगा उन उन्होंने जो उसके अपने टाइम पे किया था आप जरा आंकड़े देखिए कि उस वक्त प्राइमरी एजुकेशन कितना पब्लिक सेक्टर में था कितना सरकार करती थी और क्या प्राइवेट में करती थी प्राइवेट में कुछ भी नहीं था और कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होता है कोई भी किताब इकोनॉमिक्स के उठाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि किस तरह प्राइमरी एजुकेशन भी शामिल था दोनों चीजें थी पर सिर्फ एक करके नहीं काम चलना था उसको हमने बढ़ाया नहीं उसको धीरे धीरे कई कई कमीशन बैठी 1960 से लेके तो पता नहीं कितने कमीशन बैठ गए सबने कहा जी नहीं नहीं ये नेहरू ने जो कहा था बिल्कुल ठीक है प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए 1931 में कराची रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास करती है 1931 आजादी के 15 साल पहले 16 साल पहले ये रेजोल्यूशन जो है उसी के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा संविधान उससे बनता है हुँ? और उस रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी होगा मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है वो मुफ्त की होनी चाहिए और वो मजबूरी होनी चाहिए मतलब हर एक को मजबूरी आपको देना पड़ेगा सरकार को जो हम आज तक वो, कर वो नहीं कर पाए हैं वो नेहरू जी की गलती है वो हमारी अपनी गलती है जिसको हमें मानना चाहिए फिर आते एक और बड़ी बहुत बड़ी झूठ पे नेहरू जी कृषि को नहीं आगे बढ़ाते थे वो सिर्फ औद्योगिकरण की बात करते थे ये एक बहुत बड़ा झूठ है नेहरू जी को यह पता था जैसे उन्होंने कहा कि आजादी तभी मिलेगी अगर हम अपना औद्योगिकरण खुद कर पाएंगे वैसे ही उनको ये भी पता था कि आजादी भारत को तभी मिल सकती है हम एक आजाद देश तभी कहला सकते हैं अगर हमको फूड सिक्योरिटी हो हम अगर अपनी जो हमारी अनाज की जरूरत है वो अगर हम खुद कर सके इसीलिए नेहरू के पीरियड में सबसे बड़ा काम जो करते हैं वो है भूमि सुधार का जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं जमींदारी प्रथा को हटाना और वो कैसे हटाना जबरदस्ती नहीं कि उनको मारी दो जमींदारों को हुँ? जो कई देशों में लाखों लोग मारे गए सोवियत रशिया में और चाइना में भूमि सुधार में लाखों लोग मारे गए और ना ही हमने वो तरीका अपनाया जो कि जापान में हुआ जहां की एक फॉरेन पावर जनरल मकारथर के रूल के अंदर अपने भूमि सुधार कर दिया हमारे यहाँ सुधार जो है वो लोकतंत्र के अंदर हुआ कमियां रही उसमें कई जमींदारों ने केस डाल दिए लाखों केस डाल दिए हमारे संविधान को बदलना पड़ा उसमें एक दो एडिशन करने पड़े इसको करने के फिर भी कमियों के बावजूद भी दस साल के अंदर लोकतंत्र के साथ प्रथा भारत में खत्म हो जाती है। तो भारत भारत कोई जमींदारी प्रथा बचती नहीं है जो 200 साल से चलती आ रही है अंग्रेजों के अंदर वो पहले 10 साल में नेहरू जी हटा देते हैं और जो भारत के किसान जो क्रेडिट के लिए उधार के लिए बिल्कुल लोकल साहूकारों पे, टोटली उन्हीं से उनको उधार मिला करता था क्रेडिट मिला करता था जो कि आपको मालूम है कितने सौ परसेंट उस पर ब्याज देना पड़ता था उसको रोकने के लिए करीब करीब जो सरकारी कोऑपरेटिव के थ्रू और बैंकों के थ्रू लोन का जो तरीका उन्होंने नेहरू जी ने शुरू करा करीब करीब पंद्रह गुना उन्होंने उनके टाइम पे वो बढ़ा दिया गया था ऐसे में आपको कई और एग्जाम्पल दे सकता हूँ पर अभी उसका वक्त नहीं है पर इतना आपको बता दूं कि नेहरू के पीरियड में 1950 से लेके पैसठ तक कृषि जो है वो हर साल तीन परसेंट रेट पे बढ़ती जा रही थी थ्री परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ था जो कि पिछले पचास साल से आठ गुना तेजी से था आठ गुना अंग्रेजी राज के जो पिछले लास्ट पचास साल थे उस उस वक्त वो सिर्फ पॉइंट तीन परसेंट पे ग्रो करता था अब ये तीन परसेंट पे था जो रेट ऑफ ग्रोथ आज भी बड़ी मुश्किल से हम कर पाते हैं तो ये नहीं है कि नेहरू नह, के टाइम पे कृषि का कृषि आगे नहीं बढ़ी बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ी और ये भी सच नहीं है कि ये जो हरित क्रांति है वो नेहरू जी के अंडर नहीं होती वो तो लाल बहादुर शास्त्री आने पे हरित क्रांति होती है सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस पे अग्रीड है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है उसके लिए जो चीजें जरूरत थी जो कि नेहरू समझते थे नेहरू एक पढ़े लिखे आदमी थे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे आजकल के लीडरों की तरह नहीं जो कि सिर्फ डिग्रियां उनकी होती हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पर उनको आता कुछ नहीं है नेहरू नेहरू जी ये समझते थे कि कृषि और उद्योग ये दो अलग अलग चीजें नहीं है विपरीत नहीं है एक दूसरे पे डिपेंड करता है आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम कि... हम हरित क्रांति कर देंगे पर हमारे पास ट्रैक्टर भी नहीं होगा हमारे पास डीजल पंप भी नहीं होगा हमारे पास डैम भी नहीं होगा हमारे पास बिजली भी नहीं होगी ऐसा तो हो नहीं सकता है ना हमारे पास रासायनिक खाद होंगे तो अगर आपको कृषि में क्रांति लानी है तो आपको उद्योग में भी क्रांति लानी है हु? और नेहरू इस शुरू से समझते थे इसीलिए वो दोनों को इकट्ठे बढ़ाते थे मैं इस, इस, इस हिस्से को यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ सिर्फ एक बहुत बड़े मान जाने माने एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है डेनियल है दुनिया भर में माने जाने उनका कहना मैं कोट करता हूं मेरा कहना नहीं वो कहते हैं कि ये कहना कि भारत के जो शुरू शुरू के तीन चार प्लान थे हुँ? उसमें कृषि को नेग्लेक्ट किया गया उसके बारे में उसको ध्यान नहीं दिया गया वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है मैं उनको कोट कर रहा हूं ये ये चार्ज वो कहते हैं सीरियसली नहीं लेना चाहिए वो कहते हैं कि भारत के आजादी के बाद पहले 20 साल में कृषि में जितनी प्रगति हुई जितने अंतर आए वो पिछले 200 साल में नहीं आए पहले 15 साल में इतनी कृषि में क्रांति आती है जो कि पिछले 200 साल में नहीं है ये डैनियल थॉर्डर का कहना है इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए अब मैं आखिरी हिस्से पे आता हूं जबकि नेहरू जी का ये जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो परिकल्पना थी भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय आंदोलन की उसकी जो आखिरी कड़ी है वो थी मैंने बताया था कि गरीब नवाजी नेहरू जी इसमें बड़े शुरू में ही वो सोशलिस्ट थिंकिंग में सोशलिस्ट सोच से उन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव आता है हुँ? और वो सोशलिस्ट थिंकिंग में बहुत बड़ी क्रांति लाते हैं खुद कम्युनिस्ट थिंकिंग में भी सारी दुनिया में उनके सोच में जो दुनिया में एक ब्रेक होती है उसमें नेहरू जी बिल्कुल सबसे प्रथम रैंक में माने जाते हैं 1930 की आ, दशक में ही वो नए नए सोच में आते हैं वो कहते हैं कि जो सोशलिज्म मैं सोचता हूं वो सोशलिज्म लोकतंत्र के साथ सोशलिज्म होगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा वो सोशलिज्म ये नहीं होगा जो रशिया में चीन में है जहां पे कोई डेमोक्रेसी आज तक नहीं है रशिया में तो खैर अब सोशलिज्म बचा ही नहीं पर चीन में भी नाम पे तो है पर डेमोक्रेसी कुछ नहीं है उन्होंने कहा ये सोशलिज्म मेरी सोशलिज्म नहीं है मेरी सोशलिज्म वो है जो कि लोकतांत्रिक हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा हर तबके का आदमी जिस सोशलिज्म को माने, हु? उसमें यह नहीं है कि सिर्फ एक हिस्सा हु? जो माने वही सब पे थोपा जाएगा परंतु जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा माने सोशलिज्म ऑफ नाइनटी परसेंट नब्बे प्रतिशत लोग जिसको माने मतलब सबको लेके हमने एक सोशलिस्ट आ, थिंकिंग सोशलिस्ट सोच की तरह देश को बढ़ाना है और ये जो सोच थी उनकी इसीलिए इस वो इसलिए इस तरह से सोचते थे इसीलिए बहुत तबके के लोग सोशलिज्म को अपना लिया सोशलिस्ट आइडियाज को अपना लिया सोशलिस्ट आइडियाज मतलब यही उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से कि उसमें लोगों में बराबरी होनी चाहिए हुँ? एक दूसरे पर अत्याचार ना करें इन आइडियाज को उन्होंने बहुत सिंपल तरह तरीके से हर आदमी तक पहुंचाया ताकि ये हर तबके के लोग उसको मानने लग गए चाहे वो फिल्म फिल्मों में क्यों ना हो आप राज कपूर के कोई फिल्म देख लीजिए शुरू शुरू के सारे सोशलिस्ट फिल्म है जिसमें बराबरी आप कोई भी सिर्फ राज कपूर नहीं आप पूरे बंबई के फिल्म इंडस्ट्री 1950 शतक के दश दशक में देखिए उसमें क्या आइडियाज फैलाए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता और गरीब नवाजी तो ये आइडिया चारों तरफ फैलता है में इंटेलेक्चुअल सारे देश में फैलता है इतना ज्यादा जाता है कि जब ये जनसंघ जब अपना नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी बनती है 1980 में तो वो कहते हैं कि जी हम हमारी पार्टी जो है हमारा जो उद्देश्य होगा हो वो गांधीयन सोशलिज्म होगा अब ये सोचिए मैं आप हैरान मत होइए ये, ये वो पार्टी है जिनके जो पूर्वज थे उन्होंने तो गांधी जी की हत्या कर दी पर वो अपने आप को गांधीयन बताते हैं और सोशलिज्म जिसको वो बिल्कुल बराबरी का जो सोच है न? ये दोनों सोच भारत के लोगों के अंदर बहुत दीप जा चुका था इसीलिए भाजपा को भी ये, ये कहना पड़ता है कि भी हम गांधी सोशलिज्म में विश्वास करते हैं चाहे वो वो तो मालूम ही है कि जुमले की बात अलग होती है कहना कुछ करना कुछ पर कहना तो पड़ता है कि भाई हम अब, हम गांधी सोशलिज्म में विश्वास करते हैं आज तक उन्होंने ही अपने उसके, उससे यह निकाल नहीं दिया कि भाई अब, अब हम भूल गए अब हम गांधी सोशलिस्ट नहीं है अब हम कुछ और हैं अपने कागज में तो अभी भी तो गांधी सोशलिस्ट ही है नहीं? मैं आखिर में बस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अब आजादी के बाद सत्तर अस्सी साल होने को चले हमले तो थे अब वही सारे अब उनपे सवाल उठने लग गए हैं और सवाल आम आदमी नहीं उठा रहे दुख की बात यह है कि जो सारे नए सोच आधुनिक सोच जो नेहरू जी कहते थे जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर कि हमारी सोच जो हो वो साइंस पे पर आधुनिक होनी चाहिए, होनी चाहिए ये सोच पे अब हम हमारे लीडर जो है अब हमको अपने अंधविश्वास से अपने पुराने सोचों से अपने छुआछूत अपने ये एक दूसरे से धर्म के या दूसरे चीज से या पुरुष और स्त्री पे अंतर डालना ये जो पुरानी पुरानी जो सोच थे उससे हमारी राष्ट्रीय संग्राम संग्राम हमको उठाना चाहती थी और लीडर जो थे उसको हमको आगे बढ़ाना चाहते थे अब हमारे लीडर जो हैं इसका उल्टा कर रहे हैं आपके जो बड़े से बड़े लीडर हैं आजकल सबसे बड़े लीडर जो हैं वो अब साइंस के कांग्रेस में जहां पे सारे हिंदुस्तान के सब साइंटिस्ट बैठे हैं वहां पे ये कहते हैं कि भारत में तो हमको प्राचीन भारत में सब कुछ आता था सब कुछ हमको प्लेन भी उड़ाना चाहता था उड़ाना आता था नहीं तो पुष्पक विमान कैसे बन गया प्लेन प्लेन उड़ाना आता था हमें तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना एटम बॉम्ब वो भी बनाना आता था आप इनके बड़े बहुत लीडर गवर्नर बने हुए हैं बंगाल में वो कहते जो थे उन थी ना उस तीर के सामने एक एक एटम बम लगा होता था हुँ? अब ये बातें जो हैं जो कि मतलब कोई गली में लड़का भी सुन के हंसे वो हमारे बड़े बड़े से लीडर हमको अब बता रहे हैं मतलब अब बड़ा ही एक उल्टा देश बनता जा रहा है जहां पे लीडर लोगों को आम जनता को पीछे धकेल रही है उनको अंधविश्वास की तरह ले जा रही है उनको झूठ की तरफ ले जा रही है उनको हिंसा की तरफ ले जा रही है उनको एक दूसरे बनना से रही ना कि एक छोटे देश बनाने की तरह लेके जा रही है अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब देश का यह हाल है जब हमारे जो बिल्कुल मौलिक विचार है उन पे सब पे सवाल खड़ा हो गया है तो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन उनमें अब धीरे धीरे कईयों में एक जिसको अंग्रेजी में डिस्पॉन्डेंस एक एक रहा है कि बस अब और कुछ हो नहीं सकता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है वो कहते हैं भाई अगर आप कुछ करने सोशल वर्क करने जाओ सिविल सोसाइटी मूवमेंट जैसे कि आप लोग करते हैं ये तो उन पे तो आप जानते हैं कि उनको तो आजकल एक हिस्सा समझा जाता भाई इन पे तो सारे सारे हर किस्म के जो कंट्रोल है उनपे लगाए जाए इनके पैसे कहां से आते हैं इनको उनपे रोक लगाई जा रही है है ना अच्छा प्रेस को देखिए तो वहां पे कोई बोलता है तो उसको नोट निकाल दिया जाता है हुँ? और फिर भी जो दबाव भी जो नहीं मानते हैं तो उनको मारी दिया जा रहा है गौरी को तो गोली मार दी गई ना और कुछ तो नहीं कर रही थी वो एक पत्र चला रही एक एक पत्रिका चला रही थी ना एक औरत थी पत्रिका चला रही थी आजाद पत्रिका चला रही थी तो गोली मार दी गई तो ये जो का एक माहौल बना दिया गया है चारों तरफ कि ना प्रेस कुछ बोलती है पुलिस आपके साथ नहीं है आप जज के पास जाते हैं तो आपको जजमेंट ज़, ठीक नहीं मिलती है तो लोग सोचते हैं कि आप कोई रास्ता नहीं बचा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि आप ये जो स्कूल फॉर डेमोक्रेसी है आपकी जिसमें आप राष्ट्रीय आंदोलन की को दे रहे हैं इस इस पर ध्यान दीजिए कि जब आपको नजर आए तो देखिए हमारे इतिहास में जब ऐसी सिचुएशन आया जब ऐसी अवस्था आई तो रोशनी कहाँ से आई तो आपको देखा कि तब रोशनी आपकी आपको मिली थी आपके स्वतंत्रता संग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम आपके देश में हुआ आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करिए और ये मत सोचिए कि इस वक्त जो जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि आप कोई कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ करेगा तो उसको तो मार देंगे हुँ? आप ये सोचिए कि अंग्रेजों के अंदर इससे भी बुरे हालत थे जो आप देख रहे हैं वो तब भी थे अब अगर आप देख रहे हैं कि अगर कहीं पे जो विक्टिम है जो मार दिया गया है उसी पे केस लग रहे हैं और जो मारता है वो वो खुला घूम रहा है वो अंग्रेजों के टाइम पे भी होते थे जो रायट करवाता था उसको कुछ नहीं होता था जो रायट में मारा गया उसी पे केस हो जाता था वो अंग्रेजों के टाइम पे भी होते थे और उन, उनकी भी पुलिस उनके ही हाथ में थी जज भी उनके ही थे तो उस वक्त अगर हमारी राष्ट्रीय आंदोलन खड़ी हो सकी कुछ चंद लोगों के हाथ हाथी शुरू होती है पर वो कैसे फैलती है उनके पास ना हथियार थे ना उनके पास प्रेस थी जैसे कि अब होता है लोगों के पास ना सोशल मीडिया थी ना टेलीफोन थे पर फिर भी अपने इतिहास में से ही निकालना पड़ेगा धन्यवाद